A very good morning and happy holy to all of you. उम्मीद करती हूँ आपकी दिन जो है बहुत सेफ और अच्छे से जाए. और सबसे पहली बात ये है कि आप प्लीज़ 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 कोई हार्मफुल कलर से मत खेलिए, जितना हो सकता है नॉर्मल और गुलाल से ही जो है होली मनाइए, क्योंकि जो अभी की जो कलर्स होते हैं वो काफ़ी हार्मफुल होते हैं. और इको फ्रेंडली कलर यूज़ करने की कोशिश कीजिए. सब मैं सोचती हूँ सब ठीक होंगे बिकॉज़ होली का त्यौहार है और मैं भी इस बार होली खेलने जाऊँगी. सो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक कर रही हूँ, तो मैंने अपना ड्रेस कोडिंग ऑलमोस्ट रेडी कर लिया. तो लेट्स सी चलते कैसे खेलेंगे, नहीं आज के डे जो है कैसे स्पेंड करेंगे, सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे. सो आज की जो ड्रेस कोडिंग है तो वो भी मैंने रेडी कर लिया है, क्योंकि लोग यार कौन नए कपड़े की चोचले करेगा, मैं तो एटलीस्ट नहीं करूँगी. मैं वही पुराने कपड़े पहनूंगी जो मेरे पास अभी मुझे लगता है मुझे नहीं पहनने चाहिए. सो उसके लिए मैं ऐसे कपड़े ही पहनूंगी, नए नए कपड़े के कोई चोचले नहीं रखूँगी मैं. सो मैंने कुछ ब्लैक कलर का जीन्स और कुछ मेरे पास ड्रेस थे जो मैं शादी के पहले के, सो वो पहनूंगी मैं आज. मेरे होली के कपड़े हरे रंग पर से बिके चुनर वाली रंग पर से चुनिया पे बाल इसके होले तेरे में तेरे उदे बाल आजा रंग दूर दोनों का अरे सारा रारा कबीरा सारा रारा मामा सा क्यों आ रहा है उन्हें हवा में भांग मिलाया रंग खेलने का. काफी ज्यादा तेल लगाया है जिससे कलर से मेरे बाल को खराब ना हो, और फेस में हाथ पैर में भी मैंने काफी ऑयलिंग किया है. तेरे उदे बाल आजा रंग दू दोनों का अरे सारा रारा कबीरा सारा रारा का जो
ब्लॉग रहता है वो डेली ब्लॉग है। फाइनली हम लोग का होली डे आउट खत्म होता है और काफ़ी इन्जॉय किया हम लोग ने। प्लीज़ गाइस, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।